नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे उपाय जिससे आपके दुकान में आने वाले ग्राहक कुछ ना कुछ खरीद के तो जाएंगे ही। और अगर आप सभी जानते हैं कि अगर दुकान में ग्राहक आता है तो आप सोचते हैं कि वह ग्राहक कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाए, अगर वह बिना लिए कुछ जाता है तो आपको भी नुकसान होता है और उसको भी। लेकिन आपके दुकान में ग्राहक आए और बिना कुछ लिए ना जाए तो इसके उपाय आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। पहला उपाय, 10 ग्राम हींग लीजिए, 10 ग्राम कपूर, 5 ग्राम काली मिर्च के दाने, उनका एक मिश्रण बनाइए, उसमें 2 चम्मच घी मिलाइए और उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना दीजिए। धूपबत्ती पात्र में रखकर दुकान में उसका धुआं दीजिए। ऐसा आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं, सोमवार, वीरवार और शनिवार। ऐसा करने से आपकी दुकान में ग्राहक बने ही रहेंगे। उपाय नंबर 2, लोहान लीजिए, लोहान को धूपबत्ती पात्र में रखिए, उसे जलाइए और जलाने के बाद उसमें हल्की सी काली मिर्च के दाने डालें और उसके धुएं को दुकान में दें। ऐसा करने से भी आपके दुकान में ग्राहक हमेशा बने ही रहेंगे। और एक और बात, जो मैंने उपाय पहला बताया था वो उपाय आपको शाम को करना है और यह उपाय आपको सुबह सुबह करना है। उपाय नंबर 3, यह भी एक अचूक उपाय है। एक नारियल लीजिए, सूखा नारियल जिसे आप गोला भी कहते हैं, जो बहनें अपने भाइयों को भाई दोज पर देती हैं, और जायफल लीजिए और एक लाल कपड़ा, आधा मीटर और रेड कलर का होना चाहिए। इन चीज़ों को लेकर गोला लीजिए, उसे गोले के ऊपर का हिस्सा काटिए, उसे काटने के बाद उसमें जायफल को तोड़कर डालिए और उसे जो कटा हुआ हिस्सा है उसे दोबारा रख कर कलावे से बांध कर उसे लाल कपड़े में बांध कर अपनी दुकान के ऊपर हिस्से पर कहीं भी लटका दीजिए। उसे लटकाने के बाद उसे 1 महीने तक ऐसे ही रहने दीजिए। 1 महीने के बाद उसे उतार कर अपने सर से 7 बार उतारें और उतारने के बाद एकांत जगह पर जला दें। और ऐसा करते हुए आपको ध्यान रखें कोई देखे ना, ऐसे आपकी दुकान की बुरी नज़र भी उतर जाएगी और आपकी दुकान पर ग्राहक भी आते ही रहेंगे। ऐसे ही कुछ सरल उपाय मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।